अब आज पढ़ लेंगे ट्रिगोनोमेट्री के वो सारे फॉर्मूले जिसका जरूरत हमको ट्रिगोनोमेट्री से लेके कैलकुलस तक होने वाला है। ऐसे लगभग 20-21 फॉर्मूले दूंगा जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और 12-13 ऐसे फॉर्मूले दूंगा जो कभी कभी यूज़ होता है, और 4-5 ऐसे फॉर्मूले भी दूंगा जो कभी यूज ही नहीं होता, लेकिन फिर भी सिलेबस में तो दे दूंगा। तो पहले वो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, ट्रिगोनोमेट्री के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इन्हीं को आपको याद करना है। फॉर्मूला 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सारे फॉर्मूले उसी में आ गए। फॉर्मूला 2, साइन ए प्लस बी माइनस बी, बोलना क्या, साइन ए साइन बी प्लस माइनस कॉस ए कॉस बी। तीसरा फॉर्मूला, कॉस ए प्लस माइनस बी कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। ओ साइन ए साइन बी, अरे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, गलत ही लिख दिया। फॉर्मूला 3, टेन ए प्लस माइनस बी टेन ए प्लस माइनस टेन बी माइनस 1 माइनस प्लस टन टन बी। ये होता है फॉर्मूला नंबर 4, 3-4 यहाँ है। फॉर्मूला 5 देखो बच्चों, 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू क्या होगा, अब ये जानना, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, वाह नहीं होता या यही कर लेते, 2 साइन ए कॉस बी, इसका भी बहुत जरूरत पड़ेगा, 2 साइन ए कॉस बी। एक काम करो, ये प्लस वाले फॉर्मूले में माइनस वाला फॉर्मूला ऐड कर दो, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब प्लस कर दें साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कौन आ जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी, और 2 साइन ए कॉस बी किसके इक्वल हुआ, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। अब इसको उल्टा समझो, साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका क्या मतलब, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्या सेकेंड टर्म कैंसिल हो जाएगा और फर्स्ट टर्म डबल हो जाएगा, तो मतलब साइन ए कॉस बी कितना हो जाएगा, 2 बार, तो ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस बी होगा। तो अब ये है कि अगर दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपस में प्रोडक्ट में है तो उसको सम में कन्वर्ट करने का टेक्निक, समझ गए, प्रोडक्ट में होगा तो सम में कन्वर्ट करने के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला 6, अब है 2 cos a cos sin b, 2 cos a sin b, मतलब अब हमको cos a sin b बचाना है दो बार, ये करना, तो प्लस वाले में माइनस वाले को माइनस कर दो, तो पहले आ जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b, और अगर आपने माइनस ऑफ sin a cos b माइनस माइनस प्लस कॉस ए साइन बी कर दिया तो डबल हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, क्या आप समझ पा रहे, दोबारा देख लेते, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी कैंसल, अब माइनस कॉस ए साइन बी, अब माइनस में एक और माइनस लग गया, अब क्या हो गया, तो टू टाइम्स ऑफ कॉस ए साइन बी हो गया। फॉर्मूला 7,
इसको एक और तरीका से कर सकते हो, करना चाहो तो देखो, अगर हम इसी फॉर्मूले में a के बदले b लिख देंगे, b के बदले a लिख देंगे काम हो जाएगा। इसमें a के बदले b लिख देंगे क्या हो जाएगा, 2 साइन b, 2 साइन b कॉस a, 2 साइन b कॉस a है। तो क्या कर रहे हैं, a और b को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, तो इंटरचेंज करेंगे क्या बन जाएगा, साइन a प्लस b मतलब साइन b प्लस a, अब प्लस साइन a माइनस b मतलब साइन b माइनस a, और साइन b माइनस a में माइनस आ जाएगा बाहर, तो माइनस ऑफ साइन a माइनस b, समझ पाए नहीं समझे क्या, फॉर्मूला थ्री, टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी, इसे बचाना है इसे काटना है क्या करना चाहिए, कॉस ए प्लस बी में कॉस ए माइनस बी ऐड कर देना चाहिए, उससे ये सेकेंड टर्म माइनस प्लस वाला है कट जाएगा और फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बच जाएगा, दो बार आ जाएगा, क्या हो गया ये कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, अब टू साइन ए साइन बी बचाना है, फॉर्मूला एट, टू साइन ए साइन बी बचाना है, मतलब प्लस साइन ए साइन बी में माइनस साइन ए साइन बी को माइनस करना, तो प्लस साइन ए साइन बी किधर मिलता है, कॉस ए माइनस बी करोगे तो प्लस साइन ए साइन बी मिलेगा, और उसमें से माइनस साइन ए साइन बी किधर मिलता है, कॉस ए प्लस बी में, अब ये माइनस वाले टर्म को क्या करना है माइनस करना है, देखो ये कैसे हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बरोबर, और उसमें अगर मैंने माइनस कर दिए कॉस ए प्लस बी मतलब कॉस ए कॉस बी तो कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस के साथ माइनस लगेगा क्या बनेगा प्लस, प्लस साइन ए साइन बी आ जाएगा। अब दूसरे तरीके से समझो, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और इधर से माइनस होगा माइनस कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए कॉस बी कैंसिल, इधर बचा प्लस साइन ए साइन बी, और इधर बचा माइनस ऑफ माइनस साइन ए साइन बी, तो दो बार हो गया, टू साइन ए साइन बी हो गया ठीक। अब यह है कि अगर प्रोडक्ट में है तो सम में कन्वर्ट करना, अब अगर सम में होगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, दोनों आना चाहिए। फॉर्मूला नाइन, फॉर्मूला नाइन ये कि साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू क्या होता, प्रूफ के साथ देखना चाहोगे कि पीएलएफ फॉर्मूला बता दूं, प्रूफ के साथ बनता कैसे है यही देख लेते, तो पहले फॉर्मूला ही बता देता हूँ, नहीं नहीं प्रूफ के साथ ही बता देता, मान लीजिए कि a प्लस बी नाम की जो क्वांटिटी है उसको 2 से डिवाइड कर दिए तो वो बन गया, नहीं मतलब a प्लस बी को c बोल दीजिए और a माइनस बी को d बोल दीजिए, a प्लस बी को क्या बोल दिया, a माइनस बी को क्या बोल दिया, d। तो अब जरा फॉर्मूला इसमें देखो, तो a प्लस बी को क्या बोला आपने, और a माइनस बी को क्या बोला, d। तो साइन c प्लस साइन d हो गया, ये साइन c प्लस साइन d इक्वल टू कितना, 2 साइन a, a क्या हो जाएगा, c प्लस d बाय 2 आते हैं नहीं आएंगे c प्लस d, अगर आप c प्लस d ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, b भी कैंसिल हो जाएगा, a और a 2a, c प्लस डी बाई टू कर दोगे तो क्या हो जाएगा a, एंड c माइनस डी करके देखो तो a कैंसल 2 भी आ जाएगा, 2 से डिवाइड करके देखो क्या मिल जाएगा b, तो जहां a है वहां क्या लिख सकते हो आप, c प्लस डी बाई टू, और जहां b है वहां क्या लिख सकते हो, इसी से बन जाएगा, ये क्या है c ये d, तो ये बन जाएगा 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू, 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू, समझ गए बात को, फॉर्मूला नाइन। अच्छा एक बात बताओ, साइन c माइनस साइन d, अरे मारेंगे रे रुको रे आपको कहीं मजा आ रहा है, d के बदले माइनस d कर दे तो काम हो जाए,
साइन सी डी के बदले अगर माइनस डी कर देंगे तो साइन माइनस डी हो जाएगा, और साइन माइनस डी माइनस साइन डी होता है। इधर देखिए ना मेरी तरफ, शक्ल पे क्या देख रहे हो, कुछ लिखना है क्या? साइन सी माइनस साइन डी, टू साइन सी डी के बदले क्या आ जाएगा, तो टू साइन सी माइनस डी हो जाएगा, और यहाँ सी माइनस माइनस डी क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन गया टू साइन सी माइनस डी बाय टू इन टू कॉस कॉस सी प्लस डी बाय टू, ये बन गया। इसमें दो और फॉर्मूले, फॉर्मूला 11, कॉस सी प्लस कॉस डी। ए बच्चे लोग इधर देखो, इसका नाम रख देंगे कॉस सी, आइए इसका नाम हो जाएगा कॉस डी, तो क्या बन जाएगा, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इन टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो यह बन जाएगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इन टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ये देखो c है, लेकिन हमें इसे प्लस कॉस सी बनाना है, तो प्लस कॉस सी बनाने के लिए यहां से माइनस हटाना पड़ेगा, ऐसे नहीं हटता, माइनस लगाना पड़ता है तभी माइनस मरेगा। तो अगर इसका माइनस कॉमन ले लिए और इसको दे दिया तो ये बन जाएगा प्लस कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, तो मतलब कॉस सी माइनस कॉस डी वैसा ही बन जाएगा, और कॉस सी माइनस कॉस डी की वजह से यहाँ एक माइनस आएगा, तो दिस इज इक्वल टू क्या, माइनस ऑफ टू साइन माइनस ऑफ टू साइन ए, ए के बदले कितना सी प्लस डी बाय टू इन टू साइन बी के बदले कितना। कुछ लोग इसे ज्यादा पढ़ लिख लेने के बाद ऐसा लिखते हैं टू साइन सी प्लस डी बाय टू इन टू साइन, ये जो माइनस है इसमें इधर कन्वर्ट कर देते डी माइनस सी बाय टू लिखते हैं, ये भी चलता है। तो ये फॉर्मूले हो गए 12 फॉर्मूले जो काम के हैं। इसके बाद बनता है, इतना लिखो तब तक मैं नीचे, फॉर्मूला 13 देखो। इस फॉर्मूले में ए और बी दोनों को अगर हम थीटा बोल दें तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, तो अगर दोनों को थीटा बोल देंगे तो साइन थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा, उसका फॉर्मूला बन जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा, बराबर। ये साइन कॉस के टर्म में है, इसको टेन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो इसको कॉस से डिवाइड कर दो, टेन हो जाएगा, और कॉस से मल्टीप्लाई कर दो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर को नीचे ले आओ सेक स्क्वायर हो जाएगा, और सेक स्क्वायर को वन प्लस टेन स्क्वायर बोल दो, तो फॉर्मूला बन जाएगा टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी साइन टू थीटा को सिर्फ टेन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और वो फॉर्मूला होगा टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला 14, साइन नहीं कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा में इस फॉर्मूले में थीटा थीटा ए और बी दोनों को थीटा रख दो, ए और बी दोनों को थीटा रख दो तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा, तो क्या वो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। अच्छा इस फॉर्मूले में एक और चीज़ रहता है जो बहुत ज़्यादा काम आता है, इंपॉर्टेंट है ये, कहीं पर कहीं साइन एक्स लिखा रहता है तो साइन एक्स के बदले टू साइन एक्स बाय टू इन टू कॉस एक्स बाय टू लिख सकते हैं। बोलो ये कैसे हुआ, पेन से हो गया, मार्कर पेन, क्या करना चाह रहे हो, साइन एक्स एक्स को ऐसा लिख सकते टू टाइम्स ऑफ एक्स बाय टू, तो क्या ये टू टाइम्स ऑफ एक्स बाय टू को थीटा बोल दो तो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। ये सबसे ज्यादा यूज होता है कैलकुलस में, इसी में इसी के इक्वल और चीज कर सकते हैं, टेन के फॉर्म में क्या लिखेंगे, टू टेन थीटा जहां है वहां क्या लिखेंगे एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, यही लिखेंगे। अब शुरू होगा फॉर्मूला 14 की कहानी। अभी अभी हमने देखा कि कॉस टू थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
अब इसी को सिर्फ कॉस के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसे, वन माइनस कॉस स्क्वायर लिखेंगे। अब माइनस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, अब कॉस स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और टू कॉस स्क्वायर माइनस वन बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। सिर्फ साइन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, वन माइनस साइन स्क्वायर लिख देंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, वन माइनस टू साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसके इक्वल बनेगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। अब टेन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सिक्स स्क्वायर थीटा। ना रे ना, टेन के फॉर्म में लिखना है तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे हुआ बताता हूँ, वन प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, वन बाय सिक्स स्क्वायर क्या होगा, वन बाय सिक्स स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बन गया माइनस टेन बाय सिक्स क्या होता है, टेन बाय सिक्स साइन होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा बाय सिक्स स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या वन बाय दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा है, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन रहा है, कॉस टू थीटा। तो कॉस टू थीटा को सिर्फ साइन और कॉस दोनों के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा फॉर्मूला बनेगा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। सिर्फ साइन के फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर, सिर्फ कॉस के फॉर्म में होगा तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, सिर्फ टेन के फॉर्म में होगा तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। अब है टेन टू थीटा फॉर्मूला 15, टेन टू थीटा। अब बताओ टेन ए प्लस बी में ए और बी दोनों को थीटा थीटा बोल दो क्या हो जाएगा, टेन टू थीटा बन जाएगा। और टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टेन थीटा प्लस टेन थीटा कितना, टू टेन थीटा और डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन थीटा टेन थीटा, मतलब टेन स्क्वायर थीटा। बन गई बात। अब फॉर्मूला नंबर 16, साइन थ्री थीटा, ये होता है थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। लेकिन कैसे, इसका एक्सप्लेनेशन देखना है। साइन थ्री थीटा को ऐसा लिख सकते हैं कि साइन टू थीटा प्लस थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। और साइन टू थीटा प्लस थीटा मतलब साइन ए प्लस बी का फॉर्म है, और वो बनता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन टू थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा साइन थीटा। या देखो साइन टू थीटा में भी टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। अभी साइन टू थीटा को क्या लिख देंगे, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या ये साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा कॉमन ले लिए, क्या लिख दिए, टू कॉस स्क्वायर थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस टू थीटा। कॉस टू थीटा को सिर्फ कॉस थीटा यानी सिर्फ कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा को कॉस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे क्या लिखेंगे, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, यही लिखेंगे। क्या इसे साइन थीटा टाइम्स ऑफ टू टू फोर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, आप फोर कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, फोर माइनस फोर साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। फोर कॉस स्क्वायर का क्या मतलब है, फोर इंटू कॉस स्क्वायर मतलब फोर इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर मतलब फोर माइनस फोर साइन स्क्वायर, फोर माइनस फोर साइन स्क्वायर अब माइनस वन, फोर माइनस वन कितना होता है, थ्री इंटू साइन थीटा, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन साइन क्यूब थीटा आ गया फॉर्म, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। कितना हो गया, 16,
16, फॉर्मूला 17, कॉस 3 थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, एक्सप्लेनेशन देखा जाए। देखो कॉस 3 थीटा को मैं कॉस 2 थीटा प्लस थीटा लिखूंगा और इसको लिखूंगा कॉस ए प्लस बी, मतलब कॉस ए कॉस बी प्लस प्लस नहीं माइनस साइन ए साइन बी, बराबर बराबर ना। साइन 2 थीटा में कॉस थीटा है कि नहीं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही है ना, कॉस थीटा इससे और इससे दोनों से कॉमन ले लिए, कॉस थीटा लिख दिए। इधर क्या लिखूंगा कॉस 2 थीटा माइनस, यहाँ क्या बच जाएगा 2 साइन थीटा साइन थीटा, मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा है बात। कॉस 2 थीटा को साइन स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सिर्फ साइन में, तो क्या लिखेंगे, अरे भाग कॉस 2 थीटा को क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो 4 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी तो लिख सकते हैं, ये बन जाएगा कॉस थीटा। 1 माइनस 4 कितना होता होगा माइनस 3, ओके। और उसके बाद प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा भी होता होगा, तो 4 कॉस स्क्वायर इंटू कॉस कितना होता होगा अब माइनस 3 कॉस थीटा, हो गया प्रूफ। तो कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस थीटा, समझ गए। अब इतना लिखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट, इसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट वाले होंगे जो उससे कम है। Thank you.